मंदिर बाबरी मस्जिद के संभावित फैसले को लेकर मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब के आवास का मुस्लिम समाज के लोगों की एक बैठक संपन्न हुई। वहीं इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के मुस्लिम भाई मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के लोग अयोध्या के संभावित फैसले को लेकर चर्चा किया और लोगों से अपील भी की कि अफवाह पर ध्यान ना दें। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह मुस्लिम समाज मानने को तैयार है। वहीं हाजी महबूब ने कहा कि उन्हें फैसले से कोई एतराज नहीं होगा, पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि अयोध्या में बाहर के लोगों को आने की जरूरत नहीं है। साथ में ये भी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है कि लोग किसी के बहकावे में ना आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सभी पक्षकार भी अलर्ट हैं और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बैठक हमने बुलाई थी कि आजकल के माहौल जो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने वाले हैं, लोगों के अंदर दिल में हलफसार है कि कल क्या होगा, और प्रशासन एक तरफ ये आश्वासन देता है कि अयोध्या में कुछ होने नहीं देंगे और जैसे हैं कोई मुसलमान या कोई भी हिंदू भाई कोई अपने घर से बाहर ना जाए, अपनी अयोध्या में रहे। इसीलिए मैंने एक मीटिंग बुलाई थी कि हम भी आगाह कर दें अपने मुसलमान भाइयों को कि मसले ऐसे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन आप लोग परेशान ना हों। और क्योंकि इस वक्त जो भी प्रशासन के कारनगी हैं, जैसे लोग हैं, वो हमारे लिहाज से सुलझे हुए हैं और वो कोई ऐसी बात होने नहीं देंगे अयोध्या में जो कभी हुआ था। इसलिए मैंने ये मीटिंग बुलाई थी कि सबको मैं आगाह कर दूँ, बता दूँ। और दूसरी चीज़, बारफात भी आए हमारे यहाँ, 9 को बारफात है और उसमें जैसे हुल्ला धरंग बरंग करते थे लोग, ज़्यादा तेज़ आवाज़ से मैप है तो आवाज़ धीमी करके अच्छे माहौल से उसको निभा ले जा जाए, बस इसीलिए। सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई चले 17 जी, क्या लगता है कि फैसला किस तरीके का? देखिए, फैसला कुछ भी आवे हम फैसला को मानने के लिए तैयार हैं। वो चाहे मेरे खिलाफ आएगा तो, मेरे माफिक आएगा तो, मैं उस फैसले को मानने के लिए तैयार हूँ। 17 को आखिरी डेट है, हो सकता है कल मैं दिल्ली भी जाऊँ और जो भी फैसला होगा वो सर आँखों पर है।